डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रिया में, तो बात कर ली थी आपने गाटरमान रिएक्शन। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पड़ेंगे फॉर्मुलेशन में, राइवल टिमान फॉर्मुलेशन रिएक्शन। मैंने बताया था फॉर्मुलेकरण जो है तीन अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट पढ़ लिया था आपने गाटरमान, दूसरी बात करते हैं राइवल टिमान फॉर्मुलेकरण। राइमर टिमान फॉर्मुलेकर, तो राइमर टिमान फॉर्मुलेकर में क्या होता है कि जो फिनॉल है उस फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एम क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो वहां से जो CHO समूह है प्रतिस्थापित होकर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है और वहां से सैलिसाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं राइवल टिमान फॉर्मुलेकरण अभिक्रिया। यानी फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से CHO समूह प्रतिस्थापित होकर कहां पे आ जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है और सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है, राइवल टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए इसमें परिभाषा में क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। यानी फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो CHO समूह प्रतिस्थापित होकर ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है एवं सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है। CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है, सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है। इसे राइवल टिमान फॉर्मुलेकरण कहा जाता है। इसे राइवल टिमान फॉर्मुलेकरण कहा जाता है। यानी राइवल टिमान फॉर्मुलेकरण में क्या होता है, फिनोल है, उस फिनोल के अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में करवाई जाएगी तो CHO समूह है वो प्रतिस्थापित होगा, कहां पे आ जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है, सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राइवल टिमान फॉर्मुलेकरण कहा जाता है। कैसे आता है देखिए, ये आपका क्या है फिनोल, इस फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम क्या होता है क्लोरोफॉर्म, क्षार के रूप में आप NaOH ले सकते हैं, KOH तीन मोल ले लेते हैं यहां पे KOH के, तो यहां से क्या होता है 3K और यहां के तीनों Cl मिलकर क्या बाहर निकल जाता है, 3KCl बाहर निकल जाता है, आउटपुट हो जाता है यहां से 3KCl, क्योंकि यहां का 3K प्लस और यहां के 3Cl माइनस तो 3KCl बाहर निकल जाएगा। अब यहां से देखें टोटल एच कितने बन जाएगी, आप एक एच ये रहा और तीन एच ये रहे, तो चार एच और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे तीन हो। अब एक पानी का अणु बनाने के लिए क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो चार एच को कितने ऑक्सीजन चाहिए पानी का अणु बनाने के लिए, दो, यानी कि 2H2 यहां से क्या बाहर निकल जाता है आउट, 3KCl2H2। अब यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन बच गया, एक कार्बन बच गया और रिंग की यहाँ पे एच, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहां से ये यौगिक OH, यहाँ पे ये जो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया और इसका कार्बन और रिंग पर यहाँ पे हिडन एच मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे CHO समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डी। तो यानी ये लिख रखा है यहाँ पे राइमर डिमांड फॉर्मूलीकरण में कि फिनॉल है, उस फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो आपका जो सी एच ओ समूह है वो प्रतिस्थापित होकर कहां पे आ जाएगा, इस ऑर्थो स्थिति पर आकर किसका निर्माण कर लेता है, सैलिसिलिकेट बना लेता, इसे क्या कहा जाता है, राइमर डिमांड फॉर्मूलीकरण कहा जाता है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो सी एच ओ समूह प्रतिस्थापित होकर कहां पे आ जाता है, ऑर्थो स्थिति पर आकर किसका निर्माण कर लेता है, सैलिसिलिकेट का निर्माण कर लेता है, इसे राइमर डिमांड फॉर्मूलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पे भी क्या हुआ है, बेंजीन रिंग पर CHO समूह जुड़ा है, बेंजीन रिंग पर CHO समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, फॉर्मूलीकरण। नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है फॉर्मूलीकरण में बात करते हैं, डफ रिएक्शन। डफ रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल है, उस फिनॉल को हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन एवं बोरिक अम्ल के साथ, भाई यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन है डफ अभिक्रिया, डफ रिएक्शन, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन एवं बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिकेट बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डफ अभिक्रिया कहा जाता है। यानी फिनॉल लेंगे, उस फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जिसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6 N4, बोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है S3BO3 की उपस्थिति में कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वहां से क्या बन जाएगा, वही सैलिसिलिकेट या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डफ रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता क्या है, देखिए फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वे बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वे बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करके कराई जाती है, तो सैलिसिलिकेट बन जाता है, इसे डफ अभिक्रिया कहा जाता है, इसे डफ अभिक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डफ अभिक्रिया कहा जाता है। यानी फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन में बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करके कराई जाती है, तो सैलिसिलिकेट बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डफ अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए कैसे बनता है, ये फिनॉल है, मैकेनिज्म तो है नहीं इसकी, डायरेक्ट रिएक्शन को देख लें, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन CH2 का होल 6, CH2 को क्या बोलते हैं, मैथिलीन समूह बोलते हैं, और यहाँ पे मैथिलीन समूह की संख्या कितनी है 6, इसका कारण इसका नाम क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्रामीन को बोलते हैं यहाँ पे N4, एमीन डेरिवेटिव CH2 का होल 6 N4, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, CH2 का होल 6 N4 का नाम क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। बोरिक अम्ल के साथ, बोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है S3BO3, इसका नाम क्या होता है, बोरिक अम्ल, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, तो यहां से क्या बन जाता है, मध्यवर्ती के रूप में ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, यहां से OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन जो है ये आपस में क्रिया करके यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन सा समूह जोड़ देते हैं, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NCH3 NH की एल्डिमीन डेरिवेटिव बनाते हैं,
इस कंपाउंड का नाम क्या है, एन एल्किन एल्डिमिन। अब यहां से जो एल्डिमिन डेरिवेटिव बना है इसका क्या करवा दें, यहां से एन एल्किन जो एल्डिमिन बना है इसका अम्लीय माध्यम में, यहां से अम्लीय माध्यम में यहां पे क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, यहां से जल अपघटन करवाएंगे तो यहां से एज ए प्लस यहां पे क्या आएगा ओएच माइनस। फिर क्या करेंगे यहां से कार्बन नाइट्रोजन की कंप्लीट बॉन्ड तोड़ दें, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। देखो ये प्लस कहां पे जुड़ जाएगा इस माइनस पे, तो ये कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये OH यहां पे CH, ये OH डबल है तो सिंगल में, एंड यहां पे क्या रहेगा H और ये CH3 ऐसे। फिर आपको पता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड उपस्थित है तो वापस क्या करवा दे इसका अम्लीय माध्यम में, मीडियम वही रखें एज ए प्लस, अम्लीय माध्यम में क्या करवा दे इसका जल अपघटन एज ए प्लस OH माइनस, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। देखो यहां पे माइनस आएगा तो H प्लस यहां पे जुड़ जाएगा और प्लस पे क्या जुड़ जाएगा OH माइनस, तो यहां से ये बन जाएगा आपका ये OH, ये CH, ये OH और ये आउट कौन हो जाएगा यहां से CH3NH2 बाहर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। अब फिर एक कार्बन पे वही दो OH समूह उपस्थित है क्या होते हैं अस्थाई होते हैं, फिर क्या कर दें इसको गर्म कर, गर्म करेंगे तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2। देखो यहां से मैंने क्या कर दिया H2 बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा CHO में परिवर्तित हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका OH यहां पे क्या जाएगा CHO। तो देखो सैलिसैलिडाइड बन जाएगा, इसी का दूसरा नाम क्या ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजाइल सैलिसैलिडाइड, या बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड, सैलिसैलिडाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड बन जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी डप रिएक्शन कहलाती है, यानी क्या होता है डप रिएक्शन में फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वे बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करके कराई जाती है, तो यहां से क्या बन जाता है सैलिसैलिडाइड बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है डप अभिक्रिया कहा जाता है। यानी भी फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वे बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराई जाती है एवं उसका एन एल्किल एल्डिमिन बनेगा और उसका अम्लीय माध्यम में फिर जल अपघटन आपने करवाया तो यहां से क्या बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजाइल्डिहाइड या सैलिसैलिडाइड बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है डप अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहां से नीचे समझने के लिए और देख रहे हैं, यहां से ये जो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसी का दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है यूरोट्रोपिन, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। इसका निर्माण कैसे होता है यूरोट्रोपिन निर्माण अभी यूरोट्रोपिन निर्माण अभिक्रिया, पेपर में पूछ लिया आपसे यूरोट्रोपिन निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तो यहां से क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड 6HCHO प्लस 4NH3 6HCHO कितने मोल यहां पे 6 NH3 कितने मोल 4 मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं किसका निर्माण कर लेते हैं CH2 का होल 6 क्या बन जाएगा यहां से CH2 का होल 6 N4 6H2 बाहर निकल जाता है यानी 6HCHO प्लस 4NH3 CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2 बनने वाला जो कंपाउंड है इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। यानी आपसे पेपर में पूछ लेगी यूरोट्रोपिन निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखे तो फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या बन जाता है यहां से यूरोट्रोपिन। बैलेंसिंग के लिए आप 6 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए ले, नहीं भाई यूरोट्रोपिन में क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है क्या बन जाएगा यहां से यूरोट्रोपिन। अब फॉर्मेल्डिहाइड के बैलेंसिंग के लिए 6 मोल और अमोनिया के यहां पे कितने मोल 4 मोल, इसका नाम इस कंपाउंड का नाम लिख देता हूं यहां से फॉर्मेल्डिहाइड,
जिसका नाम क्या है, अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई, क्या बना यासी यूरोट्रोपिन, यानी 6SCH + 4NH3 कन्वर्ट CH2 का होल 6N4 6H2। अब यहां से 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन की संरचना बनाइए, यहां से जो CH2 का होल 6N4 जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो यहां से देख लें। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टार कौन से इंपॉर्टेंट है, 2008 में पूछी हुई है, यूरोट्रोपिन की संरचना, यूरोट्रोपिन की संरचना, यानी कि 6 मेंबर्ड बनानी है आपको। 6 मेंबर्ड बनाने का मतलब क्या है, बेंजीन टाइप पे, बेंजीन तो नहीं होता लेकिन बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देखो यहां से क्या होता है, N, इसको बेंजीन व्यू में लेके चल रहा है N, फिर उसके बाद में CH2, फिर क्या जोड़ना है यहां से नाइट्रोजन, फिर क्या जोड़ना है यहां से CH2, फिर क्या जोड़ना है यहां से नाइट्रोजन, फिर क्या जोड़ना है यहां से CH2, यानी अल्टरनेट जोड़ना है, एक बार नाइट्रोजन एक बार CH2, फिर नाइट्रोजन फिर CH2, फिर नाइट्रोजन फिर CH2, ठीक है। यहां से फिर सेंटर में किसको बिठा दें, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 4 है, 3 तो मैंने लिख दिया यहां पे 1 2 3, चौथे नाइट्रोजन को आप सेंटर पॉइंट में इस प्रकार बिठा दें। अब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जोड़ना है और बीच में क्या फिट करना है, CH2। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, यहां से नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहां से इसके बीच में, और इन दोनों के बीच में जब सिंगल बॉन्ड जोड़े तो कौन सा समूह से लिंक कर दें इसको, CH2 से, यहां से नाइट्रोजन CH2 सिंगल बॉन्ड अटैच, यहां पे फिर CH2 और इसका कनेक्शन किसके साथ कर दें, इस नाइट्रोजन के साथ, फिर देखें यहां से ये CH2 और इसका संपर्क किससे कर दें, इससे। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है आप देखो, CH2 का होल 6 कितने हो गए यहां पे, CH2 6, 1 2 3 4 5 6, तो CH2 का होल 6 एंड नाइट्रोजन की संख्या यहां पे कितनी है, 4, 1 2 3 4, यानी CH2 का होल 6 एंड 4, इसको कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो ये कहलाती है आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन, जो मूत्र औषधि के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये है आपकी डक रिएक्शन, क्या लिखा है यहां से, फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन वे बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एन एल्किल एल्डिहाइड बनता है जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है, तो सैलिसिलिकेट या ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजीन बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डक अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहां से हेक्सामेथिलीन जो टेट्राएमीन है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, यूरोट्रोपिन। तो आपसे पेपर में पूछ ले कि यूरोट्रोपिन निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखें, तो यहां से क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो यूरोट्रोपिन बन जाता है, यानी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6 N। 2008 में क्वेश्चन पूछा कि यूरोट्रोपिन की संरचना बनाई, तो यानी CH2 का होल 6 N4 कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो ये है आपका डक रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही।